हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये ग्लैडिया के प्लांट के बारे में। इस प्लांट को यानी इस फूल वाले पौधे को हम किस तरह से लगाएं, क्या हम इसे सालों भर लगा सकते हैं या हम इसे सीजनेबल हिसाब से ही ग्रो कर सकते हैं, तो ये सारी बातें आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मेरा ये ग्लैडिया का प्लांट जिसमें देखिए ये फूल खिले हुए हैं, अभी तो उतनी क्वांटिटी में नहीं खिल रहे हैं, बस खिलने की शुरुआत हो रही है, तो ये थोड़ा सा खिल गया है और यहाँ ये खिलने में है। और मेरे पास एक ये येलो कलर का भी है, तो दो तरह का मेरे पास ग्लैडिया का पौधा है और काफ़ी खूबसूरत दिखता है ये फूल। और इसकी अच्छी बात यह है कि आप इस पौधे को सीजनेबल होते हुए भी सालों भर आप ग्रो कर सकते हैं। ये पौधा सीजनेबल है, गर्मियों के मौसम में खूब फूल देता है। आपने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा जब मैंने आपको मेरे गार्डन का ओवरव्यू दिया था, तब मैंने आपको दिखाया था कि मेरे गार्डन में ये काफ़ी क्वांटिटी में खिले हुए थे, तो सालों भर नहीं खिलता है ये फ्लावर सीजनेबल होता है। लेकिन अगर हम चाहें तो हम इसे अपने गार्डन में सालों भर आके रख सकते हैं। अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें तो हमारे गार्डन में ये फूल सालों भर खिल सकता है। तो पहले बात करते हैं कि इस प्लांट को हमें कैसे रखना है, कैसे ग्रो करना है, इन सारी बातों के बारे में पहले जानकारी ले लें। तो सबसे पहले तो ये फ्लावर बहुत ही खूबसूरत फ्लावर है, गर्मियों का फ्लावर है और इसे लगाना बहुत आसान है, बहुत इजी ग्रोइंग प्लांट है। इसकी मिट्टी हमें तैयार करनी होती है वेल ड्रेन, जैसे कि मैं सारे पौधे के लिए आपको बताती हूँ। तो वेल ड्रेन सॉयल में पौधे लगाएं जिससे कि उसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो। और इसे हमें सनलाइट में रखनी होती है, फुल सनलाइट अगर आप दे सकें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसे 3 से 4 घंटे की सनलाइट तो हमें देनी ही होती है, तभी इसमें अच्छी फ्लावरिंग होती है। मेरे इस एरिया में धूप थोड़ी कम आती है, मतलब बड़े बड़े जो पौधे हैं मेरे उसकी वजह से यहाँ धूप थोड़ी कम होती है, इसीलिए मेरे ये फूल के साइज थोड़े छोटे हो गए हैं, नहीं तो इसके साइज थोड़े बड़े होते हैं इससे। तो इसे आप धूप में रखिए, अगर आपके यहाँ पूरे दिन की धूप नहीं आती है तो कम से कम 3 से 4 घंटे की इसे धूप दें और बहुत अच्छी ब्राइट लाइट हो ऐसी जगह पे इसे रखें तो बहुत अच्छे से इसमें फ्लावरिंग होती है। वाटरिंग की बात करें तो इसके वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत होती है, मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि मैं सुबह पानी देती हूँ, फिर शाम तक इसकी मिट्टी एकदम ड्राई हो जाती है, फिर से मुझे शाम को इसे पानी देना पड़ता है। तो इससे यही पता चलता है कि इस प्लांट को पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, तो इसकी मिट्टी को हमें सूखने नहीं देना है, ना ही हमें कीचड़ की तरह इसकी मिट्टी को रखना है। तो इसकी मिट्टी को हमें हमेशा मॉइस्ट रखना है, मॉइस्ट रखने से इसकी फ्लावर जो है ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। ये जो फ्लावर है ये एक दिन में नहीं मुरझाते हैं, इसके खिले हुए ये फ्लावर काफ़ी दिन तक स्टेबल होते हैं, तो ये काफ़ी दिन तक स्टेबल रहे उसके लिए हमें इसके मिट्टी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, इसकी मिट्टी सूखनी नहीं चाहिए। अगर मिट्टी सूख जाती है तो ये जो फूल जो लॉन्ग लास्टिंग है कम से कम 3 से 4 दिन तक ये फूल रह जाते हैं, तो ये इतने टाइम तक नहीं रह पाते हैं, फिर झड़ जाते हैं। तो इसके फूल को लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए मिट्टी को हमें हमेशा मॉइस्ट रखना होगा और इसमें मैंने किसी भी तरह का कीड़े का अटैक नहीं देखा है, नॉर्मल स्पीड से जैसे ग्रो होता है वैसे ग्रोथ होती है इसकी और हैवी क्वांटिटी में फ्लावरिंग भी होती है। इसे फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा देना पड़ता है क्योंकि इसमें रेगुलर बेसिस पे फ्लावरिंग होती है और हैवी क्वांटिटी में होती है, इसीलिए हमें इसे फर्टिलाइज़र अच्छे से
से देना होता है। तो मैं 15 दिन में सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइजर मेरे सारे प्लांट को देती हूँ। तो इसी तरह से मैं मेरा इस प्लांट का भी जो रिक्वायरमेंट है फर्टिलाइजर का वो पूरा हो जाता है। तो इस तरह से मैं अपने प्लांट को फर्टिलाइज करती हूँ। और इस प्लांट को प्रोपगेशन करना बहुत आसान है। देखिए जैसे ये फूल खिला हुआ है, जब ये फूल सूखने में होता है तो इसकी जो ये पंखुड़ियाँ हैं ये झड़ जाती है, और झड़ने के बाद कुछ ये इस तरह से दिखने लगता है। देखिए इसकी सूख गई है और ये कुछ इस तरह से झड़ने में है, तो ये कुछ इस तरह से हो जाता है। और इसके बाद जब ये अच्छे से ड्राई हो जाता है तो इसका लुक कुछ इस तरह से आता है। और ये जो है ये है हमारा सीड, इस फ्लावर के सीड कुछ इस तरह से होते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह का होता है इस फ्लावर का सीड, और इसे हमें इस तरह से तोड़ लेना है। इसके सारे बारीक बारीक जितने भी सीड हैं सब निकल आएंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से इसके जो सीड हैं ये सब निकल आए, और एक ही फ्लावर में देखिए कितने सारे सीड होते हैं। तो इसे लगाना बहुत आसान है, मैं बस ऐसे तोड़ती हूँ और एज इट इज़ ऐसे ही मैं इसे मिट्टी में डाल देती हूँ और अपने आप ही पौधे निकल आते हैं। तो मेरे टेरेस गार्डन में लगभग जगह पे लगभग सारे गमलों में एक दो करके ये पौधे अपने आप ही निकल आते हैं, क्योंकि मैं इसके सीड को तोड़ती हूँ और उसे बस किसी भी गमले में डाल देती हूँ और मेरे पौधे निकल आते हैं। इतने इजी ग्रोइंग प्लांट है। अब बात करें कि इसे हम सालों भर कैसे रखें। तो जैसे ही हमारा ये एक प्लांट फ्लावरिंग में आ जाता है तब हमें करना है कि स्टार्टिंग जब फ्लावरिंग हो तो हमें 2-3 फ्लावर से सीड बना लेना है। उसके बाद फिर हमें सीड नहीं बनने देना है। जब सीड बन जाता है तो हमें वो सीड कलेक्ट कर लेना है। कलेक्ट करने के बाद हमें वो छिड़क देना है किसी और गमले में, जिससे कि हमारा नया पौधा तैयार हो जाए। और उसके बाद जितने भी ये जो निकलते हैं सीड बनते हैं इसे हमें नहीं बनने देना है। ये बनने से हमारे पौधे में फ्लावर कम हो जाता है, कम खिलने लगता है, तो इसे हमें हटाते रहना है। तो जो हम सीड छिड़केंगे अपने गमलों में सूखे हुए जो सीड छिड़केंगे, तो जैसे देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, तो देखिए जैसे ये सीड है। अब मेरे इस पौधे में सीड बन गए हैं, 3-4 मैंने तोड़ लिए हैं। तो ये जो तोड़ लिए हैं इसे मैं अब किसी और गमले में डाल दूंगी, जिससे कि मेरे उस गमले में पौधे निकलने लगेंगे। और जब तक इसकी फ्लावरिंग चलेगी, कंटिन्यू रहेगा इसमें फ्लावरिंग, तब तक मेरा वो दूसरा पौधा जो सीड हमने गमले में डाला है वो पौधा बन के तैयार हो जाएगा। और जब ये ख़त्म होने में होगा मेरा वो पौधा फ्लावरिंग पे आ जाएगा। तो इस तरह से अगर हम कंटिन्यू ग्रो करते रहें तो हमारे गार्डन में ये फ्लावर सालों भर रह सकता है, और ये मेरे गार्डन में सालों भर रहता है। कम बेसी हमेशा मेरे गार्डन में ये सालों भर रहता है। और गर्मियों के मौसम में ये फ्लावर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खिलते हैं और बाद में थोड़े कम हो जाते हैं, बस यही फ़र्क है। वरना ये फ्लावर सालों भर हमारे गार्डन में रहता है। और ज़्यादा फूल पाने के लिए हमें बस ये करना है कि इसमें सीड नहीं बनने देना है। अगर सीड बनने लगे तो हमारे प्लांट में फ्लावर कम हो जाता है। तो इसी तरह से देखिए मेरे कितने सारे पौधे निकल आए हैं मेरे इस गमले में, देखिए कितने सारे हैं। और यहाँ पे भी देखिए मेरे अपने आप निकल आया है और इसमें येलो कलर के फ्लावर खिलेंगे। और यहाँ पे भी देखिए है, इसमें भी शायद येलो खिलेंगे, यहाँ एक येलो कलर का खिला हुआ है। और यहाँ पे भी गमले में मेरे निकल आए, मतलब लगभग सारे गमले में मेरे निकल आते हैं। ये प्लांट मेरे जहाँ लगा हुआ है उसके आसपास के सारे गमले में अपने आप ये प्लांट निकल आता है। जब ग्रो हो जाता है तो फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो बगैर मेहनत के ग्रो होने वाला प्लांट है, बस इसकी पानी और मिट्टी का ध्यान रखें कि मिट्टी
मिट्टी हमें हमेशा मॉइस्ट रखना है, तो इसमें हमेशा फ्लावरिंग होती रहेगी। और इसका स्टेम जो होता है बहुत नाजुक होता है, तो उसे हमें इस तरह की स्टिक्स से सपोर्ट देके रखना पड़ता है, वरना ये देखिए जैसे ये लेगी सा हो गया, ये एक तरफ झुक गया, इसे हम मैंने स्टेम देके सीधा नहीं किया तो ये झुक के ग्रो हो गया, तो इसी तरह से ये झुक जाता है। और आपको अगर इसे स्टेबल रखना है, सीधा रखना है, तो इस तरह की एक स्टिक दें और उससे इसको सहारा दें, जिससे कि ये अच्छे से सीधी ऊपर की तरफ ग्रो कर पाए। तो इस तरह से हम इस प्लांट को रखें, ग्रो करें और सालों भर अपने गार्डन में रखें इस प्लांट को। इसके फूल बहुत ही खूबसूरत होते हैं, तो फूल कोई भी हो गार्डन की खूबसूरती बढ़ाता ही है। तो इस तरह से आप इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं, अपने गार्डन में हमेशा के लिए रख सकते हैं। तो मेरा आज का वीडियो इसी टॉपिक पे और इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, और पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें और बेल बटन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे कि आगे मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। तो मिलते हैं आप अगले किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। ओके देन, बाय।